सलाम अलैकुम। आज सरकार हज़रत मीरा सैयद हुसैन खिंग सवार रहमतुल्लाह अलैह मशहदी की बारगाह 29 सितंबर को ये एक और खुश नसीब परिवार अपने बच्चे की मन्नत पूरी होने पर हाज़िर हुआ है और ये भी अपने बच्चे को सरकार की बारगाह में लगे हुए तराजू में अपने बच्चे को तोल कर सरकार हज़रत मीरा सैयद हुसैन खिंग सवार रहमतुल्लाह अलैह मशहदी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। यही वो पेड़ है कि जिसका फल खाने से किन्नर को औलाद हुई थी, तभी से तमाम बे औलाद लोग सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं। तो सरकार मीरा सैयद हुसैन खिंग सवार रहमतुल्लाह अलैह मशहदी की बारगाह से इस पेड़ का फल लेकर जाते हैं और परवरदिगार आलम सरकार मीरा सैयद हुसैन के सदक़े में बे औलाद लोगों को साहिब औलाद करता है। ये खुशनसीब परिवार है सरकार की बारगाह के अंदर। जी हजरत, क्या नाम है अपना? मोहम्मद शफी। कहाँ से तशरीफ लाए? जावरा शरीफ। जावरा से आए? MP। आ जाओ आप भी। सुभान अल्लाह, यहाँ से फल लेकर गए थे इसी पेड़ के। क्या सरकार ने क्या नवाजा आपको? लड़का दिया। क्या नाम रखा बच्चे का? मोहम्मद अफजल। कितने साल बाद हुआ? यहाँ से फल खाने के बाद जो है 2-3 महीने बाद जो है। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान। क्या कहना चाहेंगे आने वाले जायरीन जो लेकर जा रहे हैं यहाँ से फल, उनके लिए? बहुत बढ़िया है, यहीं से जो है उनको लड़का जो है नसीब हुआ है। सुभान अल्लाह सुभान। तुम्हारा नाम क्या? मोहम्मद शब्बीर। सुभान अल्लाह, ये मोहम्मद शब्बीर जी हैं सरकार की बारगाह के अंदर इस पेड़ का फल लेकर गए थे और परवरदिगार आलम ने सरकार मीरा सैयद हुसैन खिंग सवार रहमतुल्लाह अलैह मशहदी के सदक़े में इनको लड़के से नवाजा है और सरकार की बारगाह के अंदर इन्होंने अपने बच्चे को तोल कर सरकार का शुक्रिया अदा किया है। हम दुआ करते हैं कि जिस तरह परवरदिगार आलम ने इनको दौलत औलाद से नवाजा है, इसी तरह हर चाहने वाले को जो बे औलाद है परवरदिगार आलम सरकार मीरा सैयद हुसैन के सदक़े में उन तमाम बे औलाद लोगों को साहिब औलाद करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन, हम आपको ये बता दें कि ये दूसरी मन्नत है जो सरकार की बारगाह में आज 29 सितंबर के दिन पूरी हुई है और इन्होंने भी सरकार की बारगाह में बच्चे को तोल कर सरकार का शुक्रिया अदा किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।